नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला, बने रहिए हमारे साथ। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णपाल द्वारा बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया गया। भाजपा प्रतिनिधिमंडल बाढ़ प्रभावितों से बातचीत कर होने वाली असुविधा का संज्ञान लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बनाई गई राहत चौकियों पर तैनात लेखपाल कानूनों से भी चर्चा की। तो वही TV20 News संवाददाता से बातचीत करते हुए बताया कि राहत सामग्री के तौर पर लोगों को 42 किलोग्राम का पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें मसाला, नमक, हल्दी भी शामिल है। साथ में मिट्टी का तेल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता हरिवंश मिश्र, हरेंद्र सिंह, गुलाब सिंह, नरेंद्र सिंह, पुजारी राजभर, शीला यादव, संतोष श्रीवास्तव, ज्ञान चंद्र प्रधान और लालसा निषाद मौजूद रहे। मैं सब मौजूद हूँ बाढ़ांचल के कुलई ढाले से, जहाँ पे भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भ्रमण कर रहे हैं कृष्णपाल जी। आइए उनसे जानते हैं बाढ़ की क्या स्थिति। भैया, यहाँ पूरा ज़्यादा परेशानी हो रही है जो यहाँ पे स्थापित हुए हुए हैं, उनका ये आरोप है कि इनको कोई राशन सामग्री नहीं मिल रहा है, कोई मध्य तेल नहीं मिल रहा है, खाने पीने की इस टाइप की कोई अव्यवस्थित तरीके से इसके आता है। क्योंकि पानी अचानक बढ़ गया, एक झटके में पानी बढ़ गया, इसलिए राहत सामग्री आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन आज से कई जगह वितरण हो गया है, राहत सामग्री बढ़ रही है और राहत सामग्री थोड़ा मोड़ा नहीं बढ़ रही है। करीब 42 किलो का मसाला से लेके तेल से लेके चना तक, चावल, आटा सब, उसके साथ 10 किलो आलू और एक बोरा लाई, ये बट रहा है। चिकनावा ढाले पर इसमें बट रहा है, वहाँ SDM सहित सारे अधिकारी हैं, हर जगह बटेगा, कहीं राहत के अभाव में किसी को इस तरह का कष्ट नहीं होगा। इसके लिए पूरी सरकार संवेदनशील है। आदरणीय योगी जी ने प्रभारी मंत्री को, उन्होंने तुरंत प्रभारी मंत्री को आजमगढ़ में भेजा और मिट्टी का तेल, जिसका वितरण पहले नहीं हो रहा था, केवल लाल कार्ड पर मिट्टी का तेल आ रहा था, बाढ़ क्षेत्र के लिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए तत्काल तेल आवंटित कर दिया गया, जारी भी हो गया। आज कुछ गांव में बटा भी है और जहां नहीं बटा है वहां तेजी से वितरण होगा। राहत सामग्री का अभाव कहीं नहीं है, राहत सामग्री पर्याप्त है और किसी को भी कोई कमी नहीं होगी। थोड़ा आगे थोड़ा पीछे इतने हो सकता है, लेकिन पूरी सरकार बाढ़ पीड़ितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। हम लोग रोज की रोज सूचना प्रदेश को, क्षेत्र को दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्देशित कर रहे हैं, स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कोई अभाव नहीं रहेगा। पशु के चारों के लिए भी नोडल अधिकारी तय कर दिए गए हैं, स्वास्थ्य के लिए भी नोडल अधिकारी तय कर दिए गए हैं, कहीं कोई संकट इस तरह का नहीं है, न कोई अभाव है, बस आगे पीछे हो सकता है।